अग्नाशय मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। पाचक ग्रंथि उदर के पीछे 6 इंच की लंबाई वाला अवयव होता है। मछली के आकार वाला अग्नाशय नरम होता है। यह उदर में क्षितिज की समांतर दिशा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला होता है। इसका सिरा उदर की दाईं तरफ होता है, जहां उधर छोटी अंतड़ियों के पहले हिस्से से जुड़ा होता है। पैंक्रियाटिक कैंसर बहुत ही गंभीर रोग है। यह कैंसर का ही एक प्रकार है। अग्नाशय में कैंसरयुक्त कोशिकाओं के जन्म के कारण पैंक्रियाटिक कैंसर की शुरुआत होती है। यह अधिकतर 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले लोगों में पाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ही हमारे DNA में कैंसर पैदा करने वाले बदलाव होते हैं। इसी कारण 60 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में पैंक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इस कैंसर के होने की औसतन उम्र 72 साल है। महिलाओं के मुकाबले पैंक्रियाटिक कैंसर के शिकार पुरुष ज्यादा होते हैं। पुरुषों के धूम्रपान करने के कारण इसके होने का ज्यादा खतरा रहता है। धूम्रपान करने वालों में अग्नाशय कैंसर के होने का खतरा 2 से 3 गुने तक बढ़ जाता है। रेड मीट और चर्बी युक्त आहार का सेवन करने वालों को भी पैंक्रियाटिक कैंसर होने की आशंका बनी रहती है। कई अध्ययनों से यह भी साफ हुआ है कि फलों और सब्जियों के सेवन से इसके होने की आशंका कम होती है। अग्नाशय कैंसर के लक्षण में से मुख कैंसर भी कहा जाता है। इसे मुख कैंसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण छिपे हुए होते हैं और आसानी से नजर नहीं आते। फिर भी अग्नाशय कैंसर के कुछ लक्षण: पेट के ऊपरी भाग में दर्द रहना, स्किन, आँख और यूरिन का कलर पीला हो जाना, भूख न लगना, जिम में चलाना और उल्टियाँ होना, कमजोरी महसूस होना और वजन का घटना। पैंक्रियाटिक कैंसर होने का कारण चिकित्सा विज्ञान अग्नाशय कैंसर होने का सटीक कारण अभी तक नहीं खोज पाया है। फिर भी इसके होने के कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं। अधिक धूम्रपान करने से अग्नाशय कैंसर का खतरा बना रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अग्नाशय की चली आ रही समस्या को भी अग्नाशय कैंसर का कारण माना जाता है। रेड मीट और चर्बी युक्त भोजन का सेवन करने से पैंक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा रहता है। लंबे समय तक अग्नाशय में जलन भी इसका कारण हो सकती है। ज्यादा मोटापा भी पैंक्रियाटिक कैंसर का कारण हो सकता है। कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री या इससे संबंधित काम करने वालों को भी अग्नाशय कैंसर होने की आशंका रहती है। अग्नाशय कैंसर का उपचार यदि आप नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग कराते हैं तो इस रोग के खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है। आजकल कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के द्वारा डॉक्टर अग्नाशय कैंसर का उपचार करते हैं। इससे कई रोगियों को जीवन मिला है। If you need more information about health, see everything on our website. We have given.